नमस्कार दोस्तों, नया साल एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नया साल मतलब नए विचार, नई संभावनाएं। आइए आज हम पुनः एक ध्यान के लिए बैठते हैं और नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। आराम से बहुत आराम से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सरलता से खाली हो जाइए। पुनः एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से खाली हो जाइए। आंखें बंद, चेहरे पर एक मुस्कान, और आइए ध्यान करते हुए हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। नया साल, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें। मन हर्ष और उल्लास से भर जाता है। आइए नया इस नए वर्ष में कोई नया संकल्प करने से पहले हम ये मूल्यांकन कर लें कि हमें क्या आगे ले जाना है अपने साथ और क्या पीछे छोड़ जाना है। हमें अपने अनुभवों से क्या सीख लेनी है, क्या समझ लेनी है और किस अनुभव को आगे लेके जाना है और किस अनुभव को बीते हुए वर्ष में पीछे ही छोड़ जाना है। कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी यादें हैं जो हमें बीते हुए वर्ष में वहीं छोड़ जाना है। और पूरी तरह से उस याद से, उस अनुभव से खाली होना है। आइए हम कुछ देर बैठकर उस याद को जो हमारे अंदर है, उस अनुभव को जो हमारे अंदर है,
उसको याद करते हुए पूरे प्रसन्नता के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरे धन्यवाद के साथ इसी वर्ष में यहीं छोड़ जाना है। आज इस ध्यान के माध्यम से पूरे प्यार सम्मान देते हुए हम उस याद को अपने जीवन से मुक्त कर देते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमें आगे ले जाने के लिए ही आता है। उस याद को जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में हम ले और उस याद को, उस सीढ़ी को पीछे वहीं छोड़ जाएं। आज इस ध्यान में हम अपने अंदर की शक्ति से, अपने अंदर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हमें शक्ति दीजिए कि हम एक नए विचार, एक नए भाव, एक नई प्रसन्नता के साथ नए साल में प्रवेश करें। जो नहीं चाहिए उसको यहीं पीछे छोड़ जाएं। थोड़ी देर हम ध्यान में बैठकर बहुत प्यार से उस याद को, किसी भी तरह की याद हो सकती है, इंसान के रूप में, परिस्थिति के रूप में, कार्य के रूप में, उसको हम अलविदा कहते हैं। जब हम अंदर से खाली हो जाएंगे तभी हम नए संकल्प, नए रास्तों के लिए जगह बना पाएंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि नए साल में
हमें ज़िंदगी के नए मुकाम हासिल करने चाहिए। हर बार आने वाले साल में बीते साल की तुलना में बेहतर काम करना चाहिए। कुछ नया, कुछ अलग, एक नई कोशिश होनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ भी आए हमारी जिंदगी पटरी पर आ जाए। इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, संकल्प लेते हैं, पूरे साल हम छोटी बड़ी प्लानिंग करते हैं और छोटे बड़े संकल्प लेते रहते हैं। एक जुनून सा होता है नए साल में प्रवेश करते ही कि हम फुर्तीले होंगे इस साल, कुछ भी गलती नहीं करेंगे, अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे, हम अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार करते हैं कि वो अपने जुनून को हासिल कर सके और ज़िंदगी को पूरी तरह से अपने अंदाज से अपना बनाकर हम ज़िंदगी को बहुत प्रसन्नता से पूरी तरह से जिएं। ज़िंदगी को एक आशीर्वाद मानकर कुछ नया करने का संकल्प नए साल में सबका रहता है। इन सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें अपने काम में गति लानी होगी, जीवन में व्यस्तता लानी होती है। आइए आज हम इस ध्यान में बैठकर अपने आप से संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में नए साल में गति लाएंगे, जीवन में व्यस्तता लाएंगे, अपने सारे संकल्प को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने के लिए। कहते हैं कि जब किसी भी काम को पूरे उत्कृष्ट ढंग से, एकाग्रता से और मन से किया जाए तो जीवन में एक दिशा आती है, एक दिनचर्या सही बनने लगता है, संभावनाएं जन्म लेती हैं। ये इससे एक संदेश मिलता है कि आने वाला वक्त हमारी मुट्ठी में है और हम इसे साकार कर सकते हैं, इसे हम पूरी तरह से जिएंगे। नई उम्मीद, नई प्रेरणा, दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का संकल्प। अपने लिए तो सभी जीते हैं, आइए एक और संकल्प करते हैं। हजारों लाखों लोग हैं, बच्चे हैं, जिनके चेहरे पे हम एक मुस्कान ला सकते हैं, उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं इस नए वर्ष में।
एक नई सुबह के साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरने का संकल्प। अपने लिए तो सभी जीते हैं, आइए इस नए साल में हम एक और संकल्प लेते हैं कि हम उन सभी की जिंदगियों में खुशी लाएंगे, मुस्कान लाएंगे। हमारे आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं, हम उन सब के लिए मंगल कामना करेंगे और सबके जीवन में खुशियां और परिवर्तन लाएंगे इस नए वर्ष में। ये बात सच है कि हम किसी की जिंदगी में परिवर्तन कभी भी ला सकते हैं और संकल्प कभी भी ले सकते हैं। पर नए वर्ष के आगमन के साथ हम एक बार फिर से अपने मुरझाए उत्साह को अपने भीतर समेटते हैं। जो संकल्प पूरे नहीं हो पाए थे, उसे हम पूरा करने की पूरी कोशिश पूरे मनोबल के साथ करते, एक नए उत्साह, एक नए जुनून, एक बेहतर ढंग के साथ पूरे करने की कोशिश का संकल्प हम धारण करते हैं। मानो आने वाला हर एक पल कुछ देकर जाने वाला है, ये एहसास हमारे अंदर होता है। और इस पर हम आत्मविवेचन भी करते हैं कि क्या था जो हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहतों को पूरा करने में आ रहा था। आखिर हमारी चाहतें क्यों नहीं पूरी हो पाई? नए वर्ष में नए संकल्प और उनको पूरा करने की प्रतिबद्धता हमें फिर से एक नए जोश से भर देती है। कि हमारी जिंदगी उसी पटरी पे आ जाएगी जिस पटरी पे हम उसे लाना चाहते हैं। पीछे जो कुछ भी था, जो हमें नहीं चाहिए, वो हमने पीछे छोड़ दिया पहले ही। और हम पूरी तरह से खाली हो गए हैं और तैयार हो गए हैं नए वर्ष के लिए। हम फिर से खिल उठने के लिए तैयार हो गए हैं। अपने अंदर इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस परिवर्तन को
महसूस करते हुए हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। आइए अपने अंदर इस ऊर्जा शक्ति को महसूस करते हुए अपने इष्ट से आशीर्वाद लेते हुए पूरी प्रसन्नता, उल्लास, विवेक और हृदय से नए साल का स्वागत करते हैं। पुराने को पीछे छोड़ दिया हमने और नए के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस भाव को अपने अंदर गहराई से महसूस करते हुए आइए एक नए सूर्योदय का एक नई सुबह का अपने हृदय में हम आगमन करते हैं।